नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ट्रेनिंग मार्केट में। दोस्तों आज जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताना चाहेंगे, उस कंपनी का शेयर एक समय आप देखें तो 1.5 रुपया हुआ करता था, 1.50 रुपया हुआ करता था, जो कि आज देखें तो इस कंपनी का शेयर ओपन सर्किट लगाकर 156 रुपया पर ट्रेड कर रही थी, जिसका शेयर गिर कर आज 84 रुपया पर आ चुकी है। अब धीरे धीरे डाउनफॉल और देखने को मिलेगा, बट इस कंपनी का शेयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस एक साल के दौरान इस कंपनी ने दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आप देखें, ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करूं तो यहां देखें 5510% का अपर सर्किट लगाकर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिला है। वहीं 5 ईयर्स के दौरान देखें तो इस कंपनी के शेयर में भी काफ़ी अजाफा देखने को मिला है, 5510% देखने को मिला है। वहीं 1 ईयर्स के दौरान देखें तो 5710% का अपर सर्किट लगा चुकी। वहीं 6 मंथ के दौरान देखें तो 5329% का अपर सर्किट लगाई है, जो कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, स्ट्रांगली अपर सर्किट लगाई है। और वहीं देखें 1 मंथ के दौरान देखें तो डाउनफॉल देखने को मिला है 1 मंथ के दौरान से, तो देखें वहीं 5 डेज के दौरान और डाउनफॉल देखने को मिला है, 25.60% का डाउनफॉल देखने को मिला है, और 1 डेज के दौरान भी डाउनफॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों आप इस कंपनी का शेयर जितना डाउन हो जाए उसके बाद ही इस कंपनी का शेयर खरीदना है, काफ़ी अच्छा इसमें अपर सर्किट लगने वाली है। तो जितना डाउनफॉल हो आप अभी इस कंपनी के शेयर पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स एक साल के दौरान दिया है, और उसका न्यूज़ आई थी तो उस न्यूज़ को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए और तरह से एनालिसिस करके हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का नाम क्या है, तो प्रोसीड इंडिया लिमिटेड, आप देख सकते हैं दोस्तों प्रोसीड इंडिया लिमिटेड है इसका नाम, जो NSE और BSE दोनों पे लिस्टेड है। जिसका मार्केट कैप की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है, 867 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसका करेंट प्राइस आज देखने को मिला है 89 रुपीज़। और कंपनी का हाई लो की बात करूँ तो आप यहाँ देखें 194 रुपये हाई लगा चुकी थी, और लो की बात करें तो 30 पैसा का पेनी स्टॉक हुआ करता था, जो कि आज मल्टी बगर पेनी स्टॉक हो चुका है। और PE की बात करूँ तो लिस्टेड नहीं किया गया है। और बुक वैल्यू की बात करूँ तो आप यहां देखें 0.87 देखने को मिला है, और डिविडेंड ईयर देखें तो 0.00 मिलने को देखने को मिला है। ROCE की बात करूँ तो लिस्टेड नहीं है। वहीं फेस वैल्यू 1 रुपया देखने को मिला है। प्रमोटर इसमें काफ़ी अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो आप यहां देखें 97%, जो कि काफ़ी हाई देखने को मिला है, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां में नहीं देखने को मिलती है, बट इस छोटे से कंपनी में इतना बड़ा प्रमोटर देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा और देखने को मिलेगा। तो वहीं डेट ऑफ इक्विटी की बात करूँ 0.5 देखने को मिला है। और वहीं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.1 करोड़ का है, मतलब लगभग 12 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। वॉल्यूम काफ़ी हाई देखने को मिला है, कंपनी के मार्केट कैप के अनुसार काफ़ी अच्छा हाई देखने। सेल्स की बात करूँ तो 0.0 देखने को मिला है। वहीं कंपनी डेट फ्री है, तो देखें तो आप इस कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है। वहीं सेल्स ग्रोथ लिस्टेड नहीं किया गया है। रिजर्व की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा इसमें माइनस में देखने को मिला है। तो वहीं एक बात बता दूँ दोस्तों, इसका एक पेनी स्टॉक है, जो कि मल्टी बगर पेनी स्टॉक हुआ है, तो धीरे धीरे कंपनी अपना रिकवर कर रही है, और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा आगे चलकर। तो आप इस कंपनी का शेयर बाय करना है, बट आप एक बार खुद से एनालिसिस कर लेना, और इस कंपनी का शेयर बाय करना। दोस्तों आप यहाँ देखें प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ देखें काफ़ी अच्छा इसका प्रोफाइल ग्रोथ देखने को मिला है। ये कंपनी डेबिट फ्री, ऑलमोस्ट डेबिट फ्री हो चुकी है, जिसका प्रमोटर होल्डिंग देखें तो इंक्रीज काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, 97%। तो कंपनी का हर तरह से एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे दोस्तों, बस वीडियो में बने रहे। तो इसका सेक्टर क्या है, तो आप देख सकते हैं ट्रेडिंग का सेक्टर है, इंडस्ट्रीज देखें तो ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा इसका सेक्टर है, और काफ़ी अच्छा इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। वहीं आप यहाँ देखें मेन पॉइंट देखें क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ देखें, कंपनी का सेल्स देखें तो काफ़ी डाउन देखने को मिला है 0.0, बट इस कंपनी का अपर सर्किट लग रही है, तो वो प्रमोटर ने इसमें काफ़ी अच्छा पैसा फंसा रखा है। तो आप यहाँ अभी प्रमोटर ने इसमें काफ़ी पैसा फंसा रखा है, तो आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, और जब प्रमोटर इसमें पैसा निकाले पर्ची निकालना होगा, तो आप इस कंपनी का शेयर बाय कर सकते हो। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो यहाँ देखें मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, नेट प्रॉफिट में धीरे धीरे कभी माइनस में हुआ करता था, जो कि आज देखें तो प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, तो धीरे धीरे आप इस कंपनी का रिकवरी कर रही है, तो जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और प्रोफाइल ग्रोथ की बात करूँ तो आप यहाँ देखें प्रोफाइल ग्रोथ में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 10 ईयर्स में 3% और 5 ईयर्स में 10% देखने को मिला है। और वहीं स्टॉक प्राइस की बात करूँ तो 10 ईयर्स में 3%, 5 ईयर्स में 116% और 3 ईयर्स में 484% देखने को मिला है। वहीं 1 ईयर्स के दौरान देखें तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, 2529% देखने को मिला, 25,000
529% देखने को मिला है, जो कि काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और प्रमोटर की बात करूँ, हाँ देखिए प्रमोटर ने इसमें काफी अच्छा पैसा फंसा रखा है। तो आप यहाँ देखें, जिस समय पब्लिक ने पैसा इसमें इंटरेस्ट लगा चुकी थी, पर प्रमोटर ने इसमें पैसा बहुत कम फंसा रखा था। जब पब्लिक ने 100% कर लिया, यहाँ देखें 100% पैसा फंसा रखा था, तब प्रमोटर ने पैसा निकाल लिया। आप देखें यहाँ मेन पॉइंट यहाँ है, इसमें बहुत बड़ा खेल कर चुका है प्रमोटर ने, पब्लिक का पैसा फंसा कर अपना निकाल लिया, फिर प्रमोटर ने इसमें 97% पैसा फंसा रखा है। वहीं आज देखें तो इस कंपनी का पब्लिक ने 3% देखने को मिला है, जो कि काफ़ी डाउन देखने को मिला है। अब इसमें पब्लिक पैसा लगाए तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों न्यूज़ में क्या आई थी उसको हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों न्यूज़ में क्या आई थी आप यहाँ से पढ़े, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा इस कंपनी ने एक साल के दौरान काफ़ी अच्छा इसमें रिटर्न्स दिया है। तो आप यहाँ देखें, प्रोसीड इंडिया के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 19 मई 2020 को 0.36 पैसा हुआ करता था, जो कि 22 नवंबर 2021 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी पर 89 रुपीस देखने को मिली है। तो आप यहाँ देखें काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रही थी, यानी अगर किसी निवेशक 19 मई को अगर ये 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज इस कंपनी का शेयर का रकम 24 मतलब लगभग 25 लाख रुपए की हो जाती। तो आप यहां देखें, वहीं प्रोसीड इंडिया के शेयरों पिछले एक साल में इन्वेस्टरों को 28,835% का रिटर्न्स दे चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी का शेयर बाय करने में झिझके मतलब, बट अभी डाउन फॉल चल रहा है, जितना डाउन हो उतना शेयर बाय करो और इस कंपनी का शेयर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं 1 लाख बन गए 2.5 करोड़ रुपए 36 पैसे के इस स्टॉक ने किया कमाल। तो आप न्यूज़ में आई थी। तो दोस्तों अभी इस कंपनी का शेयर खरीदने लायक है या नहीं तो उसका एनालिसिस हम आपको करके बताते हैं। चलिए एक वेबसाइट के जरिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों आ गए हैं वेबसाइट के जरिए प्रोसीड इंडिया लिमिटेड, और आप यहाँ देखें डाउनफॉल अभी देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ देखें धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिलेगा और डाउनफॉल देखने को लगभग ये 80 रुपये नीचे जाने वाली है। तो आप यहां देखें इस कंपनी के शेयर अभी बाय करने के लायक है या नहीं। तो आप यहां देखें वॉल्यूम की बात करें तो कंपनी के मार्केट के अनुसार काफ़ी हाई देखने को मिला है, शेयर आउटस्टैंडिंग देखने को मिला है। और वहीं समरी में देखें तो नेचुरल दिखा रही है, नेचुरल पर आ चुकी है। वहीं सेंटीमेंट की बात करूँ, सेंटीमेंट्स जो कि स्ट्रॉन्ग सेल का ऑप्शन दे रही है, मतलब अभी सेल कीजिए, और वहीं टेक्निकल अभी बाय करने का ऑप्शन दे रही है। तो आप फिलहाल इस कंपनी पर नज़र बनाए रखें और जब जितना डाउनफॉल हो आप इस शेयर का बाय कीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाइए।